लोकसभा चुनाव में एशिया का पहला कारखाना जमालपुर में है और जमालपुर की जो प्रमुख समस्या है वो कितना असरदार साबित होगा, इसे जानने के लिए हम वहाँ के मेंस यूनियन के पुराने दिग्गज नेता हैं, दो दिग्गज नेता हैं, उनसे बात करें। शक्तिधर जी हमारे साथ हैं और युगल किशोर जी हैं। न्यूज स्कोप में आपका स्वागत है। क्या जमालपुर का कोई मुद्दा है जो लोकसभा को प्रभावित कर सकता है? जमालपुर का सबसे बड़ा मुद्दा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए जमालपुर कारखाना है और जमालपुर कारखाने के साथ जो आज तक सौतेला व्यवहार हुआ है और ख़ास करके ये NDA की सरकार में तो पूरी तरह से जो निजीकरण का दौर चल रहा है उसमें जमालपुर कारखाने का पूरा सत्यानाश होने वाला है। और हमारे जो पूर्व के सांसद अभी जो निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने 10 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे 10 साल में NDA गवर्नमेंट के साथ रहे लेकिन कभी भी जमालपुर कारखाने के विकास के सवाल पर कोई मुद्दा उन्होंने पार्लियामेंट में उठाने का काम नहीं किया, जबकि भारत सरकार का एकमात्र समूचे लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र प्रतिष्ठान जमालपुर कारखाना है। जमालपुर कारखाने के विकास से इस स्थानीय जो हमारा क्षेत्र है उसके बेरोजगार युवकों का रोजगार का एकमात्र साधन था जो उसको बर्बाद कर, रोजगार का एकमात्र साधन जमालपुर कारखाना, क्या मानते हैं क्या? जी हाँ, कैसे? इसलिए यहाँ जो पूरा हमारा इलाका है, जो मुंगेर जिला पुराना जिला था, वहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं था। अरे बार बार कहा जाता है कि एशिया का पहला कारखाना, एशिया क्या है कारखाना? कारखाना तो एशिया का सबसे पुराना कारखाना है जहाँ हमारा 22,000 मजदूर काम करता था, अब हमारा 6,000 मजदूर काम कर रहा है, ये हालत हमारा कारखाना का कर दिया। और ये जो हमारे ये बार बार जो NPS ये क्या है? NPS है न्यू पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन। आप तो रिटायर किए हैं जी, आपको पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। तो किसको नहीं मिलेगा पेंशन? जो नया है, जो 2004 से जो बहाल हुआ है उसको पेंशन नहीं मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या खाका बन सकता है कारखाना के लिए? कार संघर्ष मोर्चा के अशोक मंडल जी है, काफी संघर्ष वहाँ कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद से अभी तक कारखाना पर जो ध्यान देना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि, संसद में जो बात उठानी चाहिए अभी तक नहीं उठाया गया, बुनियादी सवाल नहीं उठाया गया। अरे ये बताइए कि बिहार से कितने रेल मंत्री हुए हैं? संख्या तो नहीं बता सकते हैं लेकिन नाम हम गिना सकते हैं, जैसे लालू जी हुए, नीतीश जी हुए, रामविलास जी हुए, क्या कहते हैं उस पार के जो एक तो पांडे जी थे, ललित मिश्रा जी हुए। ये जो इतने सारे जो नाम गिना है, क्या इनके रीजन में किसी एक मंत्री के जो रीजन में क्या कारखाने का उद्धार हुआ है था क्या? जी देखिए कमोबेश हुआ है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम जो ऊपर के नेता हैं इनसे काम लेना हमारे स्थानीय संसद का होता है, ना कि रेल मंत्री। या मानते हैं कि संसद में जमालपुर कारखाने की आवाज को गुंजमान करने वाले कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं हुए? बहुत कम जनप्रतिनिधि हुए, दो जनप्रतिनिधि का मैं नाम लेना चाहता हूं, वो पहले है DP यादव जी जो जमालपुर कारखाने के सवाल को उठाए, दूसरा थे बर्मानंद मंडल जी जो जमालपुर के सवाल को उठाए, और ये जो वर्तमान सांसद है साथी मैं बता देता हूँ कि ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हमारे गांव छोटी दौलतपुर में आए थे, जब ये नीतीश बाबू उधर नहीं गए थे उस समय की बात कर रहे हैं, पलटी नहीं मारे थे। हाँ पलटी नहीं मारे थे तो गए थे, मैंने कहा कि सर कारखाना का विजिट करके यूनियन से मिल लीजिए और कि समस्याओं को मिले थे यूनियन से मिले थे क्या? जी नहीं, सुनो जी आपके पास फिर आएंगे, ऐसे में शिक्षाविद है देवराज सुमन जी, क्या मानते हैं सर कारखाना की क्या भूमिका हो सकती है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए इस लोकसभा के चुनाव में कारखाना जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बार बार पिछले 15 वर्षों से लगातार जो हमारे सांसद रहे हैं इनको जनता के द्वारा बार बार मांग पत्र दिया गया कि आप हमारे कारखाने पर वर्कलोड बढ़ाएं, हमारे कारखाने को निर्माण कारखाना बनाएं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बार बार ये तो मैंने कि इलेक्ट्रिक इंजन का जो है इलेक्ट्रिक इंजन दूसरा चीज है, आप ये समझ रहे हैं कि एशिया का जो प्रसिद्ध कारखाना था, प्रथम कारखाना था, वहाँ जो इर्मी की पढ़ाई होती थी उसे यह जो है SCRA की पढ़ाई होती थी, इर्मी को भी जो है ना सुनते हैं यहाँ से हटा दिया गया, अभी जो पता चला विश्वविद्यालय होना चाहिए यूनिवर्सिटी जो है ना रेलवे यूनिवर्सिटी की बात की थी। मतलब भारतीय रेल का सबसे बड़ा, मैं बता दूं भारतीय रेल का सबसे बड़ा जो है आधारभूत संरचना
जमालपुर में तैयार है, फिर भी यहाँ पर विश्वविद्यालय को देना जो है केंद्र सरकार मुनासिब नहीं समझता, क्या लगता है? नहीं, ये तो निश्चित रूप से है कि इस मुद्दे को जो है ना जन जन तक जो है ना पहुंचाई जा चुकी है, और इस मुद्दे को लेके कारखाने के विकास के मुद्दे पर निश्चित रूप से जो है वर्तमान सांसद को मुंह की खानी पड़ेगी। वर्तमान सांसद जो है जिले के विकास में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ऐसे जनताओं का कहना है, महागठबंधन और इंडिया एयरलाइंस के नेताओं का कहना है। अब देखना है कि कारखाने का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, ललन सिंह के हाथ में सुरक्षित होगा या जो है जो प्रत्याशी जो है कुमारी अनीता, इनके हाथ में बागडोर जो जिले का सौंपने के बाद ये एशिया का जो पहला कारखाना है जमालपुर उनमें सुरक्षित हो। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप मुंगेर से, कैमरा दीपक के साथ।